ऐसे कुछ उपाय हमें बताएं जिससे हम सांसारिक क्षेत्र में भी सफलता मिल सके और साथ साथ साधना में भी सफलता मिले आपको। कोई भी सज्जन हो हमारे लिए भी है और ठीक है, माने आपको ये उत्तर चाहिए कि हम चाहे साधना क्षेत्र में जाएं चाहे सांसारिक क्षेत्र में जाएं, दोनों ही क्षेत्र में सफलता कैसे करके पाए, वही प्रश्न है। तो देखिए, साधना क्षेत्र हो चाहे सांसारिक क्षेत्र हो, धंधा व्यापार नौकरी का हो या खेती किसानी हो, कोई भी काम हो या ध्यान उपासना का मार्ग हो, आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग हो, दोनों ही क्षेत्र में जो सफलता चाहते हैं, सबसे पहले तो चाहिए धैर्य। ठीक है, बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती। आगे बढ़ेंगे हर क्षेत्र में, दोनों मार्ग में विघ्न बाधाएं पदे पदे कदम कदम पर आएंगे, उन विघ्नों के बाधाओं के आने पर घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारे, हताश निराश दुखी नहीं हो और उस काम को बंद नहीं करें, छोड़ नहीं दें। वो व्यापार शुरू किया है कभी घाटा खा गया तो भी हताश निराश हो, बंद न करे उसको, क्या कमी हो गई देखे उसको दूर करे। ठीक है, साधना में भी ऐसी सफलता नहीं मिली, सफलता क्यों नहीं मिली देखे उसको, चेक करे उस त्रुटि को, गलती दोष को दूर करे। तो धैर्य को बनाए रखे और उसमें निरंतरता रखे, लगातार साधना करने के, लगातार हर दिन सुबह काम जरूर करेंगे। धंधा व्यापार करता है रोज दुकान खोलेगा, रोज बैठेगा, जो भी काम करता है उसमें निरंतरता होनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक काम करें। लंबे काल तक उस काम को करना पड़ता है, साधना करते हैं तो भी लंबे काल तक करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जीवन भर करना पड़ेगा। व्यापार भी शुरू किए उसको भी लंबे काल तक करने पर सफलता मिलती है। आज दुकान खोले आज एकदम बहुत चल जाए बढ़िया, ये जरूरी तो नहीं है, 5 साल 10 साल को जमाने में लगता है। तो साधना क्षेत्र हो चाहे सांसारिक क्षेत्र हो, समय लगता है और उस अंतराल में कितने विघ्न आते हैं, बाधाएं आते हैं, लोग अपमान भी करेंगे और पता नहीं कभी हानि भी हो जाएगी, इन सबको सहन करना पड़ता है, एक प्रकार से तप करना पड़ता है। तो साधना क्षेत्र हो चाहे संसार क्षेत्र हो, तप तो सहन करना पड़ता है, अनेक दुख कष्ट आते हैं, घबराया नहीं उनके आने पर, लगे रहे और बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, मेहनत करते रहे, बिना मेहनत के सफलता कभी नहीं मिल सकती, और बुद्धि पूर्वक काम करें, सूझबूझ के साथ काम करें तो सफलता मिलती है, उसमें पराक्रम के साथ में, एकदम दब्बू बन के नहीं, डरते हुए घबराते हुए, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे डरपोक बन के काम नहीं करें, हिम्मत से काम करें, श्रद्धा से काम करें और ईश्वर को साथ में जोड़ करके ही चले हमेशा, चाहे संसार क्षेत्र में हो चाहे साधना क्षेत्र में हो। ईश्वर को भूल के चलेंगे तो कुछ विघ्न बाधा है अब घबरा जाएंगे, वो छोड़ देंगे उसको। तो साधना क्षेत्र हो चाहे संसार क्षेत्र हो, ईश्वर को लेकर चले और वाणी में व्यवहार में मधुरता जरूर रखें, इसके अंदर सफलता नहीं मिलती चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों हो। ठीक है जी, प्राणियों पर दया भाव रखें, सबके साथ प्रेम का भाव बना के रखें, तो सहनशीलता भी हो मधुरता भी हो और हर समय प्रसन्नता हो आपके मन में, कभी दुखी खिन्न शोक से ग्रस्त ना रहे, हमेशा उत्साह से काम करें, साहस से काम करें, पराक्रम से काम करें, तो इस प्रकार चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जो आपके क्षेत्र में अनुभव व्यक्ति हैं, अनुभव से व्यक्ति हैं, युक्त व्यक्ति हैं अनुभव से, उनका भी अनुकरण करें कि जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं वो कैसे काम करें वो भी देखें, तो जो हमसे उच्च स्तर के जो सफलता पाए व्यक्ति हैं उनका अनुकरण करें, उनको सद्गुणों को भी अपनाएं और जो अपने कमियां हैं त्रुटियां दुर्गुण हैं उनको दूर करें। तो इस प्रकार से जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उस क्षेत्र में बढ़े हुए जो महापुरुष हैं या जो उच्च पुरुष हैं सफल पुरुष हैं उनके गुण कर्मों को भी अपनाएं धारण करें और इस प्रकार से दूरदृष्टिपूर्वक दूरदर्शिता से काम करें। तो पुरुषार्थ से मधुरता से सहनशीलता से युक्त होकर के विनम्रता पूर्वक चलते हैं, अब चलते हैं निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक